हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। दोस्तों, एंड गेम पार्ट 3 मैं पहले अपलोड कर चुका था, लेकिन कुछ पेजेस ना होने की वजह से मुझे उस वीडियो को हटाना पड़ा। अब बाकी बचे पेजेस को रीड करके मैं उसे उस वीडियो के साथ मर्ज कर रहा हूँ, तो प्लीज़ कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एंड गेम का तीसरा और आखिरी भाग। उन्हें किसने भेजा मुझे नहीं पता, पर तुझे कहाँ भेजना है ये मुझे पता है। उफ, यानी तुम्हारे अलावा कोई और दुश्मन भी है मेरा। खैर, वह भी सामने आ जाएगा, फिलहाल तो तुम्हारी शक्ति का स्रोत मेरे पास है। उफ, भारी है, बहुत भारी। मेरा फर्श मेरे अलावा और कोई नहीं उठा सकता, और जब यह हवा में उड़ता है धाड़, तो एक साथ चार इंसानों को 8 टुकड़ों में बदल देता है। अच्छा किया जो फर्श तुमने खुद ही अपने से दूर कर दिया। अब सिर्फ तुम हो, तुम्हारा जबड़ा और मेरी किक है, और ये खेल यहीं पर खत्म। सही कहा, खेल यहीं पर खत्म। मटेश ने हिलने की कोशिश तक नहीं की, लेकिन कोई और बिजली की गति से लपका और खेल खत्म होने से बच गया। ध्रुव बचो। ओ गॉड, इसका फरसा हवा में घूमकर वापस इसके पास आ जाता है। कमाल है, कमाल तो तेरी किस्मत है सर, जो अब तेरा साथ छोड़ने वाली है। उफ, खड़े होने तक का समय नहीं है, अब कौन बचाएगा तुझे। तुम, यानी तुम्हारे फर्से से बनी ये चौड़ी दरार। अच्छा है, तुम दोनों पहले इंसान हो गए जो कि अपनी चिता के ऊपर नहीं, चिता के नीचे लेटे हैं। खच खच, अब फरसा वापस आ रहा है, फिर से बचो। फरसे का काम तमाम करना होगा, वरना यह हमारा काम तमाम कर देगा। अगर यह मटेश का काम तमाम कर दे तो खच। अच्छा सपना है, पर जग जाओ। सपना तो हम सब बनने वाले हैं, अगर जागना है तो इस फरसे को हमें अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। कड़ाक, दोस्ती समझो इसे, तड़पा कर नहीं मारेगा मेरा फरसा। अपनी समझ है इसमें, देखो इसने तुम्हारे प्रतिबिंब को पहचान लिया है। अब जब मैं इसे फेंकूंगा तो ये गाइडेड मिसाइल की तरह सिर्फ तुम्हारा पीछा करेगा, तुम्हारे नेस्त नाबूद होने तक। पक्की बात है ना, ना तो ये फरसा तुम्हारे रोके रुकेगा और ना ही मेरा पीछा छोड़ेगा। इसी स्थान पर लौट कर आने से पहले अब यह फरसा मेरे रुके भी नहीं रुकेगा। मटेश के हाथ से फरसा छूटने के साथ ही ध्रुव के ब्रेसलेट से भी स्टार लाइन मटेश की तरफ लपकी और उड़ते फरसे के ऊपर से लिपटती हुई मटेश की कलाई को शिकंजे में कसने लगी। यह कुछ ऐसा ही था जैसा किसी इंसान को ना रोकने वाली मिसाइल के पीछे बांध दिया जाए। ओ गॉड, ध्रुव अपनी जान दांव पर लगा रहा है, फरसे को अपने पीछे भगा रहा है, तभी तो वो कैप्टन है। 10/10, फरसा रास्ते में आने वाली हर चीज को चकनाचूर करता जा रहा था, और वह हर चीज मटेश की हड्डियां चटका रही थी, लेकिन अब फरसा भी ध्रुव की गर्दन तक आ पहुंचा था। उफ, एक झटके में ये मेरी गर्दन को तने की तरह काट देगा, चक्कर पूरा करने का समय नहीं है, इसकी गति को रोकने का दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। ध्रुव की स्टारलाइन उस डाल से लिपटी और ध्रुव का शरीर उसके चारों तरफ घूम गया, और यही रास्ता ध्रुव का पीछा कर रहे फरसे ने अपनाया, और फरसे को जकड़ने वाली स्टारलाइन भी डाल से लिपटती चली गई। फरसे की गति थम गई और साथ ही थम गया मटेश का घायल बेहोश शरीर। अब कुछ चल रहा था तो सिर्फ उसकी सांसें। ओ गजब, कैसे पूरे कर लेते हो इतने आसानी से यह असंभव काम कैप्टन, मैं बताऊं, दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाकर। और इस दौरान, अच्छा अब ये ब्लैक बेल्ट ब्लैक कैट कौन है और यहां तक पहुंची कैसे। वह ध्रुव की माँ राधा को ढूंढ रही है, उसके अनुसार राधा उसके पिता की कातिल है। ध्रुव की माँ राधा तो सुना मर चुकी है, उसे यहाँ देखा गया है। वैसे ब्लैक कैट जैकब को ढूंढते हुए यहाँ तक आई है। जैकब, अब ये जैकब कौन है, यहाँ कैसे आया। मुझे क्या पता, हंटर्स उठाकर लाए हैं उसे यहाँ। पता नहीं क्या बोल रही है तू, तू यहाँ आराम कर, मैं तेरे हल्दी का दूध लेकर आती हूँ, पर मुझे नताशा के पास जाना है। कैसे जाएगी, मैं चलूंगी तेरे साथ, अभी आई मैं 5 मिनट में। अब शायद ट्विस्टी और उसकी माँ ही शांति की एकमात्र आस थी, क्योंकि इस खेल में बहुत सारे अजनबी खिलाड़ी भी थे जो खेल बिगाड़ सकते थे। धड़ाक, चंडिका तुमने मुझे कैसे ढूंढ निकाला, ये गाइड है ना मेरे पास, और इसका गाइड है ध्रुव। आपके आजाद होने के बाद हंटर्स के हाथों में हमारी कोई कमजोरी नहीं बचेगी। सही कहा, पर तुम इसे ज्यादा देर तक बचा नहीं पाओगी, इसे मुझे दे दो, मैं इसे सुरक्षित रखूंगी। राधा, राधा यानी ध्रुव की माँ, वह तुम ही हो या नहीं पता नहीं, पर श्वेता की माँ की पसलियां तोड़ने वाली तुम जरूर हो, और उसने तुम्हें ढूंढकर तुम्हारी पसलियां तोड़ने की सुपारी मुझे दी है। ओ, वह यानी मिसेज राजन मेहरा, वह एक एक्सीडेंट था,
लेकिन यह कोई एक्सीडेंट नहीं है। अगर जैकब की चिंता सच में थी तो पहले क्यों नहीं छुड़ा लिया इन्हें? जरूर छुड़ा लेती, लेकिन पहले पहरा ज्यादा सख्त था। मुझे पहरे की तो चिंता नहीं थी, पर इस काम को मैं चुपचाप करना चाहती थी और पहरा कम होते ही यह काम करने के लिए तुम तो आधम की। तुम दोनों तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं यहाँ हुई नहीं। थाड़! मुझे हल्का याद है कि तुमने मुझे बचाया था। फिर प्राचीन मंदिर से राधा के पुराने कपड़े के टुकड़े भी मिले थे, लेकिन अगर तुम सच में राधा हो तो इतने सालों तक सामने क्यों नहीं आई? अपने बेटे से मिली क्यों नहीं? समय आने पर सारे जवाब मिल जाएंगे, बस फिलहाल मेरा विश्वास करो। आह! चंडिका के उस वार ने चेहरे को ढकी पट्टियों को तार तार कर दिया और वह चेहरा देखकर चंडिका भी पल भर को स्तब्ध रह गई। और यही पल युद्ध का निर्णायक क्षण साबित हुआ, सिद्ध हुआ। चलो जैकब, कहीं मेरे हाथों इसका खून ना हो जाए। ताड़! बोल तो ऐसे रही हो जैसे आज तक तुमने मच्छर तक नहीं मारा। जब तुम मुझे जंगल में मिली थी, अगर उस वक्त मुझे अपने ऊपर शक ना हो रहा होता तो मैं तुम्हें वहीं मार देती, पर तुम्हारी मौत शायद इस जगह पर लिखी थी। भटाक! मुझे मार पाना या ना मार पाना तुम्हारे बस में नहीं है, पर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? जैसलमेर, गुप्त लैब, वैज्ञानिक की हत्या और उससे अदृश्य होने वाले सीरम का फॉर्मूला चुराना याद आया या नहीं आया उससे तुम्हारा क्या संबंध है? तूने जिस वैज्ञानिक की हत्या की थी उसी का खून मेरी रगों में है। अंकल जैकब, आप चंडिका को लेकर ध्रुव के पास पहुंचिए, मैं भी वहीं आती हूँ। जैकब ने बहस में एक पल भी नहीं गंवाया। वह जानता था कि इस वक्त वे दुश्मन के इलाके में हैं और बंदी बनने का अर्थ एक धीमी और बेइज्जती वाली मौत है। मटेश की शक्ति फरसा थी और शक्ति पर ज्यादा निर्भर रहना योद्धा की कमजोरी होती है, और ध्रुव हमेशा आत्मविश्वास का फायदा उठाकर जीतता है। पूरे मठ में सूचना फैल चुकी है कि ध्रुव मठ में आ गया है और वे तुम्हें देखेंगे जरूर। मठ के केंद्रीय अखाड़े में तुम्हें मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर अपनी मौत की भीख मांगते हुए। मैं सिर्फ रक्षा के लिए लड़ता हूँ, खेल या शौक के लिए नहीं। रक्षा ही तो करनी है, चंडिका और जैकब के प्राणों की रक्षा। अब या तो तुम मुझसे पूरे मठ के सामने लड़ोगे या ये अपनी सांसों के लिए अपने आप से भीख मांगेंगे। ओह, भीख मंगवाने का बहुत शौक है तुम्हें, इसलिए अपनी गद्दी बचाने के लिए मुझसे लड़ने की भीख मांग रहे हो। दूंगा मैं। हमारे बीच जो लड़ाई अधूरी छूट गई थी वह पूरी जरूर होगी। वह लड़ाई एक बिन बुलाए मेहमान के कारण अधूरी रह गई थी, वरना मैं तो तुम्हें तभी मार देता। छल की लड़ाई में किस्मत दुष्टों का साथ नहीं देती वक्र, पर मैं उस लड़ाई की बात नहीं कर रहा। यह बात उस लड़ाई की है जो बरसों पहले मेरे और तुम्हारे बीच में उस अज्ञात टापू पर हुई थी, अन्ना के सामने, याद है? ओ, तो वह तुम थे। उस अधूरी लड़ाई ने तो मेरे दिमाग को हमेशा परेशान रखा, आज वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। वाह, क्या संयोग था वह! वह संयोग नहीं था, मुझे बिना बताए ले जाया गया था। अन्ना अगर जीवित होते तो आज ये सवाल मैं उनसे पूछता। ऊपर जाकर पूछ लेना, मैं भेज दूंगा तुम्हें वहां पर। मुझे हल्का हल्का याद है, अन्ना ने उसके पहले और बाद में भी साकाश में कुछ दिन स्पेशल शो किए थे, पर तुमसे मिलने से पहले यह प्रश्न जन्मा ही नहीं था। ताड़! जन्मना तो तुझे भी नहीं चाहिए था, पर चलो, भगवान हर बार अपनी गलती कहां तक सुधारता फिरे। आज मैं उसकी मदद कर देता हूँ, उसने मेरी मदद कई बार करके बड़ा एहसान चढ़ा रखा है। तलाक! इतना ही भरोसा है अपने भगवान पर कि एक निहत्ते के सामने तुम्हें जीरा बख्तर पहनकर आना पड़ा? यह कवच मेरी शक्ति है, जैसे तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी शक्ति है। लगाओ दिमाग और उतरवा दो मेरा परिधान। यह जीरा बख्तर डर लग रहा है ना? और डरो, और वो इसलिए क्योंकि इस बार कोई मूवर तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि इस बार यह वह खुद मेरी कैद में है। वक्र के वारों में बिजली जैसी चपलता थी। चलिए दोस्तों, इसके बाद जो वीडियो मैंने अपलोड किया था पहले वो मर्ज हो जाएगा, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।